Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. तो जो मैं आज मांस बनाने जा रही हूँ, या तो आप 30 प्लस के हैं तो भी आप इसे लगा सकते हैं, और जिनकी शादी होने वाली है या जिनका स्किन बहुत ही ज़्यादा डल हो गया है या टैन हो गया है तो वो लोग भी इस मास्क को बहुत ही अच्छे से अपने स्किन के ऊपर लगा सकते हैं, जिससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और इसे हम बहुत ही कम बजट पर बनाएंगे और सिर्फ किचन के इंग्रेडिएंट से बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम कौन सा मास्क बनाने जा रहे हैं और इससे हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे। फेस मास्क बनाने के लिए मैंने लिया है एक बीटरूट और एक आलू, और दोनों को मैंने अच्छी तरह से धोकर क्लीन कर लिया है। और मुझे दोनों क्वांटिटी इक्वल चाहिए, इसीलिए मैंने आधा बीटरूट लिया है, और ज़्यादा कम भी हो जाता है बीटरूट या आलू तो कोई बात नहीं। और इसे आप इसका छिलका उतार लीजिए, और इसे छिलके उतारने के बाद मैं इसे दोबारा से वॉश नहीं करूँगी क्योंकि मैंने अच्छी तरह से इसे वॉश कर लिया है। इसके बाद आप इसकी छोटी छोटी पीसेस कर लीजिए। इसे छोटे छोटे पीस करने के बाद एक मिक्सी ग्राइंडर में इसका फाइन सा पेस्ट बना लीजिए। छोटे छोटे पीस करेंगे तो इसका जो पेस्ट है वो अच्छे से बनेगा, वरना ये अच्छी तरह से पीसेगा नहीं। तो छोटे छोटे पीस बना लीजिए, जितना आपको चाहिए उसके हिसाब से ही आप बीटरूट और आलू ले लीजिए। इसे आप चाहे तो फुल बॉडी में भी लगा सकते हैं, फेस में लगा सकते हैं, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो पहले ही आप इसे ज़्यादा बना सकते हैं। तो ये एक फाइन सा पेस्ट हो गया है। हमें इसे डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना है, हमें सिर्फ इसका जूस चाहिए, और इसका जो जूस निकालने के बाद जो पल्प रह जाता है उसे भी हमें वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। तो ये जो जूस निकाला है उसे निकाल के आप साइड में रख लीजिए, और ये जो पल्प है उसे आप फेंकेंगे नहीं, और इसे आप 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। और ये जो पल्प है इसे वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड करके आप इसे फुल बॉडी में स्क्रब कर सकते हैं। इससे आपका स्किन जो है वो इवन टोन होगा और बहुत ही अच्छा आपका स्किन जो है वो क्लीन हो जाएगा। ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून राइस फ्लावर, और इसके अंदर हम ये जूस को ऐड करेंगे। जितना आपको चाहिए उसके हिसाब से आप ये जूस ले लीजिए और एक फाइन सा पेस्ट बना लीजिए ताकि हमें अपने फेस के ऊपर अप्लाई करने में ईजी हो। इस तरह से आप अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बना लीजिए, और 2 से 3 दिन के लिए हमें ये जो जूस है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ये जो फेस मास्क है वो बनके तैयार हो गया है। सबसे पहले आप जब भी ये मास्क अपने फेस के ऊपर लगाएंगे तो आप गर्म पानी से अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए ताकि आपके जो पोर्स है वो अच्छी तरह से ओपन हो जाए और इस मास्क के जो बेनिफिट्स हैं वो आपको सारे मिल जाए। तो जैसे कि मैंने इसमें ऐड किया है बीटरूट, राइस फ्लावर और आलू। बीटरूट जो है इसके अंदर विटामिन सी है, और ये एक एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। आपके स्किन में से ये डार्क स्पॉट्स और एक्ने पिंपल को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, और आपके रिंकल्स फाइन लाइंस को भी रिड्यूस करने में ज़्यादा हेल्प करता है, और आपके स्किन के ऊपर एक पिंकिश सा ग्लो नज़र आता है जिससे आपका स्किन जो है वो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छा लगता है। और आलू जो है, आलू भी आप सभी जानते हैं कि इससे हमारे जो चेहरे के डार्क स्पॉट्स और आँखों के नीचे जो पफीनेस होता है, डार्क सर्कल होता है, उन सबको ये रिड्यूस करने में ज़्यादा हेल्प करता है। और ये जो जूस बचा है उसे अगर आप 2 से 3 दिन के लिए अपने स्किन के ऊपर, जैसे कि अभी मैं लिप्स पे लगा रही हूँ, अगर आप डायरेक्ट भी इसे फेस के ऊपर लगा के 15 मिनट के लिए भी छोड़ देंगे तो भी आपका स्किन जो है वो बहुत ही ग्लो करने लगेगा। अगर आपको रिंकल्स और फाइन लाइंस के कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसे भी लगा सकते हैं इस जूस को। और ये जैसे कि अभी मैंने लगाने के बाद ये 10 मिनट के बाद थोड़ा सा ड्राई हो गया है, तो इसे ज़्यादा ड्राई नहीं कराना है फेस के ऊपर। जैसे कि 10 मिनट अपने आपके फेस के ऊपर रखा, उसके बाद आप जैसे आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह से अपने फेस के ऊपर स्क्रब कर रही हूँ, तो ये आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड को बहुत ही अच्छे से रिमूव करेगा। और जो राइस फ्लावर मैंने इसमें ऐड किया है वो एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है, जो आपके रिंकल्स, फाइन लाइंस तीनों ही चीज़ में आपको रिंकल्स फ्री करता है, आपकी फाइन लाइंस को रिड्यूस करता है। और जो आलू का जो जूस है उसे आपके जो डार्क सर्कल है वो बहुत ही अच्छे से कम हो जाता है, मतलब आँखों के नीचे जो कालापन होता है उसे ये बहुत ही अच्छे से कम करता है। तो इस तरह से अगर आप इस मास्क को इस्तेमाल करते हो, और हफ्ते में 3 बार, बस हफ्ते में 3 बार या 2 बार भी इस्तेमाल करते हो, तो आप आपके स्किन में देखेंगे कितना चेंजेस आएगा, आपका स्किन जो है वो टाइट होने लगेगा।
अगर आपके स्किन के ऊपर एक्ने है या पिंपल है उसे भी बहुत ही अच्छे से रिड्यूस करेगा और बहुत अच्छा आपके चेहरे के ऊपर एक शाइन नज़र आएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जिनकी भी शादी होने वाली है या उनको एक महीना दो महीना बाकी है, अगर ये उनके रूटीन में ये शामिल कर लेंगे इस मास्क को, तो उनका चेहरा जो है वो ऐसा चमकने लगेगा जैसे कि आप शादी के वक्त फेशियल वगैरह करवाते हो, तो वो उसके ऊपर करवा लेते हो तो और भी आपका चेहरा है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लो करते लगेगा। तो इसे आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। ये मास्क लगाने के बाद आपका जो स्किन है वो आप टाइट फील कर सकते हैं, आपका स्किन जो है वो टाइट लगेगा। तो आप इसके बाद थोड़ा सा कोई भी अपना मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। तो जैसे कि मैंने इसे किचन के इंग्रेडिएंट से बनाया है और आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह से हमने कुछ घर के इंग्रेडिएंट से बहुत ही अच्छा मास्क को बनाया है, जिससे कि अगर आप इस मास्क को इस्तेमाल करेंगे तो आपके स्किन के ऊपर बहुत ही अच्छा इसके जो फ़ायदे हैं वो दिखाई देने लगेगा और आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप इस मास्क को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।